नमस्कार बहुत बहुत इस्तबाल है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम गुफ्तगु में ज़रा सोचिए अगर फिल्मों में विलन ना हो तो उसकी कहानी कितनी फीकी होगी विलन ही हीरो को हीरो बनने का मौका देता है पर्दे पर एक्शन और ड्रामा एक विलन की वजह से ही क्रिएट होता है आज हम एक ऐसे ही कलाकार से मुलाकात करेंगे जिन्होंने फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाकर अपने चाहने वालों के दिलों में जगह बनाई जिन्हें हम कई बेहतरीन फिल्मों में अलग अलग किरदारों में देख चुके हैं और जो असल जिंदगी में किसी हीरो से कम नहीं है जी हाँ गुफ्तगु में आज मुलाकात बूंद पानी के लंबू इंजीनियर तेजाब के लोटिया पठान एक्टर किरण कुमार से किरण कुमार जाने माने अदाकार जिन्होंने हिंदी के साथ साथ भोजपुरी और गुजराती जुबानों में भी फिल्में की है अपने दौर के मशहूर अदाकार और फिल्मी पर्दे के विलन जीवन के यहाँ इनकी पैदाइश हुई साल उन्नीस में दो बूंद पानी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले किरण कुमार ने शुरुआती दौर में जंगल में मंगल आज की ताजा खबर और चालाक जैसी फिल्मों में बतौर हीरो काम किया हालांकि किरण कुमार को कई फिल्मों के साथ ही पहचान भी मिली लेकिन इनकी फिल्में कुछ खास कमाल ना दिखा पाई और इन्हें एक लंबी जद्दोजहद से गुजरना पड़ा साल उन्नीस में आई फिल्म खुदगर्ज में किरण कुमार एक विलन के रूप में नजर आए, जिसके लिए इनकी काफी तारीफें हुई साथ ही तेजाब और खुदा गवाह जैसी फिल्मों से किरण कुमार एक कामयाब विलन के तौर पर बॉलीवुड में छा गए अपनी अदाकारी से हर तरह के किरदार में जान फूक देने वाले किरण कुमार को छोटे पर्दे का स्टार भी कहा जाता है करण द डिटेक्टिव साहिल और संयुक्त के साथ ही कई चर्चित सीरियल्स में किरण कुमार ने बेहतरीन अदाकारी की है किरण कुमार के बारे में ये कहना गलत न होगा कि ये वो शख्सियत हैं जो हिम्मत जुनून और लगन से अपना रास्ता खुद बनाते हैं सर बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में थैंक यू और आपको और दूरदर्शन देखने वाले सारे जो व्यूअर्स हैं, सारे लोग जो उन सभी को मेरा नमस्कार देखिए काफी अरसे के बाद दूरदर्शन पे आना मुझे नसीब हुआ है एक वक्त ऐसा था जब दूरदर्शन का मेरा एक कोई ना कोई शो पूरे साल चलता था कई सालों तक तो ऐसा चलता रहा मैंने अगर आप देख द, अगर आप सोचें द, देखने को जाएं तो मेरी मेरा जो टेलीविजन सीरियल का जो टेलीविजन सीरीज का जो मेरी जर्नी रही है जो मेरा सफर रहा है वो दूरदर्शन से शुरू एक हुआ रिश्ता आपका दूरदर्शन के, के साथ रहा है अच्छा किरण जी सबसे पहले हम आपके बचपन की बात करें एक चीज और जी मैं आपको जो आप जिस तरह आपने मेरा तारुफ कराया है ना मैं थोड़ा सा उसमें से बदलाव चाहता हूँ मैं करना चाहूंगा देखिये नायक और खलनायक में ज्यादा फर्क नहीं होता है नायक के नाम के आगे अगर आप खल लगा दें तो फिर खलनायक हो जाता है तो मैं असल बेसिक... में खलनायक भी नायक ही है। मैं समझता हूँ कि खलनायक की भूमिकाओं में मैंने अपनी काफी पोजीशन एक, एक, एक जगह बनाई है लेकिन आ, मैंने तकरीबन डेढ़ सौ से ज्यादा फिल्मों में नायक का किरदार भी निभाया है और दूरदर्शन के जितने भी मेरे शोज रहे हैं डी डी पे उसमें तो मैं हमेशा नायक रहा सेंट्रल कैरेक्टर रहा मैं हमेशा बिल्कुल और तो, आपने गुजरात की बहुत सारी फिल्में की हैं जिसमें आप सुपरस्टार थे वहाँ के हीरो थे आप जी वहाँ का हीरो था और हीरो हूँ मैं आज भी गुजराती फिल्म में कभी कभार करता हूँ साल में एक तो करता ही हूँ ताकि मेरी पहचान उस ऑडियंस से जुड़ी रहे मैं हमेशा करता हूँ और ये सफर रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर हूँ मैं और आपसे और मेरे जो भाई लोग हैं जिन्होंने मुझे दूरदर्शन में इतना प्यार दिया मेरे शोज को सराहा मुझे इतना इतनी, इतना मुझे कुछ मिला है इस चैनल से कि मैं आज जब भी कहीं सड़क पर जाता हूँ तो हमेशा बोलते हैं अरे अरे किरण सर किरण सर वो आपका डिटेक्टिव करण कब आने वाला है डिटेक्टिव करण एक ऐसा शो था मेरा बहुत ही सक्सेसफुल रहा और काफी सालों तक चलता रहा लेकिन मेरी अगर जितनी लोटिया पठान से मेरी पहचान बनी ना उतनी ही मेरी डिटेक्टिव करंट से बनी है तो लोटिया पठान के बारे में भी बात करते हैं और डिटेक्टिव करंट के बारे में बात बिल्कुल आपके इस करियर के बारे में हम बात करेंगे ये जो आपका सफर रहा है फिल्मी सफर उसके बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपके बचपन की बात करेंगे ये बताइए आपका बचपन कैसा था कैसा बचपन गुजरा आपके वालिद साहब जीवन वो आपके साथ घर पर कैसे थे बहुत दोस्ताना मिजाज था उनका या फिर थोड़े सख्त थे कैसे थे देखिए बचपन मेरा एक बहुत ही साधारण बहुत ही नॉर्मल तरीके से गुजरा है लेकिन क्या था बचपन में थोड़ा सा मैं शरारती था अच्छा तो मेरी शरारतों से मेरे पिताजी काफी दुखी हुआ करते थे लेकिन मेरे पिताजी के साथ जो मेरा रिश्ता था वो एक दोस्त की तरह था माई फादर वेरी क्लोज फ्रेंड और हम जो भी होता था हम आपस में मिल के बैठ के बात करते थे अगर उन्हें मुझे कुछ चीजें समझानी होती थी तो प्यार से मुझे बिठाते थे अपने गोद में बोलते बेटा देख ये ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा ना कर यार ये hmm. पड़ोसी बहुत दुखी हो जाते हैं तो कभी कोई कांच तोड़ देता है अच्छा, क्रिकेट खेलते हुए हाँ। कभी बल्ला मार देता है कभी पोलियाँ तोड़ लेता है ये सब करता है तो ये थोड़ी सी शरारतें कम 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 कर मैं ये नहीं कहता कि तू शरारतें बंद कर दे क्योंकि हर बच्चे में एक शरारत का एक एक होता है एक सीड होता है एक बीज होता है और अगर बच्चा शरारत ना करे तो बच्चा बहुत बोरिंग हो जाता है बिल्कुल शरारत नहीं तो बचपन नहीं जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो बचपन तो ऐसे ही गुज़रा और बड़ा ही खूबसूरत गुजरा और मैं एक नॉर्मल फिल्म फैमिली में, में मेरे, मेरे मेरा मेरी पैदाइश हुई मेरा जन्म हुआ मेरे पिताजी एक्टर थे और मैंने फिल्मों के अलावा और इसके अलावा मैंने और कोई दुनिया देखी ही नहीं बचपन में लोग कुछ किसी को कुछ कंचे इकट्ठे करने का शौक़ होता है किसी को क्रिकेट बैट इकट्ठे करने का शौक़ था उस जमाने में क्या होता था कि मिचेल कैमरा होता था और उस कैमरे के साथ जो रील जो फिल्म होती थी वो एक पीले कलर के ऐसे छोटे छोटे ऐसे रोलर्स होते थे और जिसमें रील बंदी होती है और वो कैमरे में चढ़ाई जाती थी तो वो रोलर्स मैं कलेक्ट करता था अच्छा। पर जब भी किसी स्टूडियो में जाता था मुझे बहुत शौक था फिल्म शूटिंग है देखने का और फिल्मों से जुड़े रहने का और मैं समझता था कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इस दुनिया में जीने का मुझे एक एक हक़ दिया है ऊपर वाले ने तो बहुत ही नॉर्मल मेरी चाइल्डहुड रही और लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मेरी शरारतें कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी अच्छा। तो उसकी वजह से मुझे इंदौर बोर्डिंग स्कूल में मुझे भेज दिया गया था इंदौर में सर हेनरी डाली कॉलेज में मेरी मेरे मैंने शिक्षा ग्रहण की इंदौर का एक बहुत ही बहुत ही बढ़िया स्कूल है वो जी। और वहाँ पर मैं मुझे भेज दिया गया और वहाँ से मुझे मुझे मेरी शिक्षा जो मेरी सारी जिंदगी का जो तथ्य जो सत्य है जो जूस है मुझे उस स्कूल से मिला मैंने वहाँ पर एज ए ऑर्डनरी पर्सन एज ए ऑर्डनरी स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया था लेकिन धीरे धीरे मैंने स्पोर्ट्स uh, में एकेडमिक्स में मैंने डिबेट्स uh, 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 में मैंने बहुत कुछ मैंने वहां से पाया एंड मेरी रुचि हुई और शायद मैंने अपना पहला प्ले जो है वो मैंने थिएटर वहाँ किया था हालांकि एज एन एक्टर मेरी शुरुआत उससे कहीं पह, कहीं ज्यादा पहले हुई थी हु। बिल्कुल उसकी भी बात करेंगे लेकिन जी, जी, इससे जी, पहले कुछ और कहानियाँ हैं खून में है जी, फिर आपको एक्टिंग सीखने की जरूरत क्यों पड़ी क्या इसके लिए वालिद साहब चाहते थे कि आप वहाँ पर जाए आपको जोर दिया गया वहाँ जाने के लिए क्या आप खुद जाना चाहते थे देखिए मैं आज भी मानता हूँ कि कोई किसी को एक्टिंग सिखा नहीं सकता एक्टिंग सिखाई नहीं जाती वो आपके अंदर होता होती है है पहले से। में ये होता है कि अगर आपके अंदर वो जरासीम है वो वो चीज है अगर आपके अंदर तो उसे पॉलिश कर दिया जाता है जिस तरह कोयला होता है ना कोयले को जब आप पॉलिश करते तब उसमें से हीरा आता है बाहर तो वहां पर एक्टिंग सिखाना देखिए एक्टिंग सिखाना इज नॉट पॉसिबल आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए वो जज्बा होना चाहिए वो जुनून वो शिद्दत वो पैशन होनी चाहिए टू बिकम एन एक्टर बिकॉज वंस यूर एन एक्टर आप कुछ और कर ही नहीं सकते आप हर दुनिया के हर काम के लिए हर रोजगार के लिए बेकार हो जाते हैं क्योंकि आपका जो माइंड है आपका जो दिमाग है वो सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में सोचता है तो एफटीआई uh, में मैं एक्टिंग नहीं सीखी और uh, हालांकि हम मेथड uh, एक्टिंग हमने स्टैंड लाइविस की मैथड हमने फॉलो किया हुँ। और हमारे गुरु थे तनैया साहब uh, जिन्होंने बहुत कुछ हमें दिया और उन्होंने हमारे इस जो भी छोटा मोटा टैलेंट मुझ में है थोड़ा सा टैलेंट है अगर नहीं होता थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा टैलेंट अगर नहीं होता तो मैं ये पिछले पांच डिकेट से फिफ्टी फिफ्टी टू से मैं इस इंडस्ट्री में एक्टर रहा हूँ तब भी बिजी था और आज भगवान के दया से आप लोगों के प्यार से जो ये लोग मुझे देखते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे इनके प्यार से मैं इस इंडस्ट्री में जिंदा हूं क्योंकि जिस दिन इनका प्यार खत्म हो जाएगा ना उस दिन मेरे मेरा वजूद मेरी शख्सियत सब कुछ खत्म हो जाएगी ऐसा कभी नहीं होगा ना हो बस यही दुआ करते रहते हैं हमेशा यही कहते हैं कि भैया जिस दिन ऊपर वाले से यही कहते हैं कि जिस दिन यहाँ से ले जाएगा ना तो लाइटें ऑन होन होनी चाहिए कैमरा ऑन होना चाहिए डायलॉग बोलते रहना चाहिए एक्टर्स के साथ एक्टर्स के साथ इंटर करना चाहिए और उस वक्त तू मुझे ले जाना उससे पहले नहीं जी गोल्डी मीट मटन मसाले जो आपके हाथ का मटन खाए की बोल आपका हो जाए गोल्डी मसाले अच्छा मुझे ये बताइए जब आप एफटीआई में थे तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि आपकी ज़िंदगी का रुख बदल गया कुछ एक कोई छोटा सा पंगा कोई झगड़ा हुआ था जिसके बाद आपको निकाला भी गया ये बात आप ले आए खैर अब क्यों कि मैं आपसे और मेरी जो दूरदर्शन की जो मेरी ऑडियंस है उससे मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा तो मैं जो हूं मैं हूं हुँ. आप मुझे एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए लेकिन अब मैं उम्र के इस मकाम पे मैं अपने आप को बदल नहीं सकता हुँ. तो मैं जो हूं मैं सुनाता हूँ आपको क्या हुआ था हुँ. हम लोग आ, आ, एक्टिंग डिपार्टमेंट के हम लोग स्टूडेंट्स थे तनेया साहब के और रजा मुराद साहब जो हैं मेरे बड़े ही घनिष्ठ दोस्त हैं बड़े ही अच्छे दोस्त हैं मेरे वो थे मेरे साथ हम एक ही क्लास में पढ़ते थे रजा के साथ मेरी दोस्ती पिछले साठ सालों से है तो हम साथ में थे और क्या होता था कि एक्टिंग uh, स्टूडेंट्स का हमेशा कोई ना कोई पंगा जिस तरह पंगा आपने कहा डायरेक्शन स्टूडेंट्स के होता था या प्रोडक्शन के के स्टूडेंट से होता था या एडिटिंग के स्टूडेंट uh, से होता था, से होता था क्योंकि एक्टिंग स्टूडेंट्स में एक दिमाग में एक ऐसे ही बेफिजूल का फिजूल होता है कि हम एक्टर्स हैं तो हम सबसे बड़े हैं ऐसा नहीं होता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इस टीम के अंदर हर टीम मेंबर उतना ही अहमियत रखता है उतना ही बड़ा होता है जितना एक एक्टर रखता है तो ये था तो उनसे थोड़ा सा नोक झोंक हुई और नोकझोंक थोड़ी बढ़ गई अब जब नोकझोंक बढ़ गई तो कुछ मामला हाथापाई पे उतर आया और हाथापाई की तो बचपन से आदत थी मुझे अच्छी आदत नहीं है नहीं होनी चाहिए लेकिन थी अब क्या कर सकते हैं तो मेरे हाथ से कुछ लोगों को कुछ ज्यादा चोटे लग गई अच्छा अब जब ज्यादा चोटें लग गई तो पुलिस बुला ली गई हॉस्टल में पुलिस आ गई पुलिस जो है वो मुझे रजा को और हमारे साथ दो दो लड़के और थे हम चारों को उठा पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गई अच्छा आ, और इससे पहले भी पुलिस स्टेशन जा चुका हूँ अच्छा हाँ ये पहले, पहले वो विजिट वो नहीं से? थी पहली विजिट नहीं थी मैं सुनाऊंगा उसके बारे में भी तो फिर तनैया साहब आए उन्होंने हमको छुड़ाया अब जब वापस हम इंस्टीट्यूट में आए तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे जगत मोहरारी जी बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इंसान थे उन्होंने बोला यार ये जो लड़के हैं ना ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड <coughs> हमें हमेंट कर दिया गया जब निकाल दिया गया तो हमारे जो बाकी के जो हमारे जो कलीग्स हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन सबने बोला कि ये लड़के अगर निकाल देंगे तो वीट गो ऑन स्ट्राइक अच्छा तो ये स्ट्राइक हो गई और स्ट्राइक जो थी वो फोर्टी फाइव डेज चली हम इंस्टीट्यूट के सड़कों पे बिस्तर लगा के सोते थे। अच्छा जिन्होंने स्ट्राइक की वो सिर्फ आपके ही डिपार्टमेंट के थे या और डिपार्टमेंट? सिर्फ एक्टिंग डिपार्टमेंट अच्छा एक्टिंग डिपार्टमेंट क्योंकि वही हमारे सपोर्ट में थे तो हम 45 डेज वहां पर एफटीआई uh, में बीच चौरा है बीच जो जगह है वहां पर प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के सामने एक चबूतरा है और चबूतरे में एक पेड़ है बहुत ही बड़ा जिसे विजडम ट्री कहा जाता है तो हम विजडम ट्री के आगे हम लोगों ने बिस्तर लगाए एंड यकीन मानिएगा फोर्टी डेज हम लोग सड़क पर सोए हैं वहां पर अच्छा एंड ये स्ट्राइक चलती रही अब ये स्ट्राइक जब चलती रही तो बहुत बड़ी बात हो गई गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ी बात हो गई तो बॉम्बे इंडस्ट्री से जो हमारे बड़े प्रोड्यूसर्स थे डायरेक्टर्स थे उसमें से चार पांच लोग जो हैं उन, उन्होंने मिल है, तो के के समान किया गया, अच्छा। बुलाया गया कि कौन लड़के थे जिन्होंने ये सब हुँ। किया तो उसमें चोपड़ा अंकल थे बी चोपड़ा साहब अब्बास साहब थे दो लोग और थे सीनियर लोग थे इंडस्ट्री के तो मैं खड़ा हो गया तो चोपड़ा अंकल के साथ क्योंकि बचपन मैंने गुजारा है तो बोले तू दीपक तु, 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 है तो शर्म हाँ, तो आनी चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा चलो माफी मांगो बोला सर माफी तो मैं पिछले फोर्टी फाइव डेज से इनसे मांग रहा हूँ लेकिन सुनते ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ तो अब्बास साहब भी थे तो अल्टीमेटली उन्होंने रिक्वेस्ट करके कुछ समाधान हुआ बिटवीन द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी एंड हमें दोबारा ले लिया गया सो स्ट्राइक खत्म हुई अब जब मैं बाहर निकलने लगा तो अबबा साहब ने कहा कि तुम मैं यहां एफटीआई के गेस्ट हाउस में ठहरा हूं तो मां मुझे मिलो अभी अच्छा अब मैं सोच रहा था कि और डांट पड़ेगी ऐसा अब तो डांट तो पड़ चुकी है अब, अब क्या होने वाली है तो खैर अबबा साहब ने बुलाया तो तो मैं चला गया रूम में बैठे हुए तो तो नॉक किया मैंने बोला बोला तो मैं आ गया उनके सामने बोला सर सॉरी सर जो हो गया मुझे माफी दे दीजिए सर बोला हाँ हा, लेकिन आइंदा मत किया करो और तो बैठो इधर तो मैं कुर्सी थे बैठ गया बोला मैं एक फिल्म बना रहा हूँ दो बूंद पानी उसमें एक बड़ा अच्छा लंबू इंजीनियर का रोल है तुम्हें देख के मुझे लगता है कि वो रोल तुम कर सकते हो यहाँ पर मुझे इंस्टीट्यूट से निकाला जा रहा था और यहाँ सडनली मुझे एक फिल्म आ गई तो जिंदगी में कहते हैं ना कि हर बुराई के पीछे कहीं ना कहीं छिपा अच्छाई अच्छा छिपी है तो उसे एक्सेप्ट करिए तो ये देखिए ना मुझे अपना पहला ब्रेक मिल गया तो इस तरह आपको आपकी पहली फिल्म मुझे मेरी पहली फिल्म मिल गई माय एडल्ट फर्स्ट फिल्म तो इसी तरह मेरा करियर शुरू हुआ फिर हम जैसलमेर शूटिंग है और लोगों से सुना भी है कि, आ, इसकी शूटिंग हो रही थी राजस्थान में और आ, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल टाइम था क्योंकि वहाँ पे पानी की किल्लत थी और आपको दो दिन में एक बार शायद एक बाल्टी मिलती थी पानी की नहाने के लिए तो मुझे पूरा किस्सा बताइए क्या है अरे मुझे क्या कोई तकलीफ मुझे क्या तकलीफ होनी है तो, तो, तो खैर तो मैं, एक, एक मैं सुनाता हूँ अब आपको अब मेंशन किया है तो शायद आप काफी डिटेल इसके बारे में जानती होंगी तो मैं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ अब हुआ ये था कि जब मैं पहुंचा वहां पर तो लोकेशन पे उस जमाने में राजस्थान जो था वो राजस्थान कनाल की कंस्ट्रक्शन हो रही थी राजस्थान जो आज की, आज की की स्टेट में राजस्थान उतना डेवलप बिल्कुल नहीं था तो जैसलमेर से तकरीबन चालीस पैंतालीस किलोमीटर दूर एक डेजर्ट का स्ट्रेच है जिसको सम कहते हैं उसका नाम है सम।, सम उस जगह का नाम है सम तो हमारी शूटिंग वहीं चल रही थी क्योंकि जो फिल्म थी उसका ताल्लुक राजस्थान कनाल वाटर की जैसे फिल्म का नाम है दो बूंद पानी, पानी तो वाकई दो बूंद पानी वाली फिल्म थी उसी तरह की लोकेशन सिचुएशन भी कुछ वैसी सिमी थी। गरेवाल जी थी, उसमें में, में लीड। साथ मरूम साथ थे थी जो मेरे साथ लीडिंग में थी। प्रकाश थे जो विलन थे अब मैं वहां पहुंच गया था कि कहा रहेंगे फिल्म एक्टर था तो था कि था अच्छे कुछ होटल वोटल होंगे आसपास पास वहाँ तो कुछ भी नहीं था वहाँ तो पूरे स्ट्रेच के ऊपर कुछ आ, एक या 40 टेंट लगे हुए थे। अच्छा। टेंट से। पानी की बाल्टी कुछ नहीं टेंट में और कुछ नहीं बिस्रा भी वो भी लोहे का उस उ आप चादर बिछा सकते हैं अच्छा खैर तो क्या बोले बोले ये टेंट तुम्हारा है मतलब सर मेरा है वो प्रोडक्शन वाला था एक आदमी अतर साहब नाम था उनका बोला हाँ तुम यहाँ रहोगे बोला सर फोर्टी फाइव डेज यहीं रहना हाँ। no problem, yeah. अच्छा नो प्रॉब्लम है अच्छा फाइन आई सर ओके फाइन मुझे कोई आई एम यूज्ड टू ऑल हार्डशिप्स तो वहीं मैं रह गया अब क्या हुआ कि उस आ, पूरे उस पूरी फिल्म में मेरे साथ एक लाल कलर की जीप थी

तो वो मेरे साथ हर सीन में मेरे साथ मेरी वो लाल कलर की जीप होती थी अब क्या हुआ कि दस दिन हुए शूटिंग के तो जो जो ड्राइवर था वो इस मुश्किल को सह नहीं पाया अच्छा तो एक दिन रात को वो भाग गया वहां से गाड़ी छोड़ के अब पूरे यूनिट के अंदर अगर कोई गाड़ी चला सकता था वो सिर्फ मैं था अच्छा और कोई गाड़ी ही नहीं चला सकता था अब वो ड्राइवर का काम यह होता था कि वो जाके एक्टरों को स्टेशन से ले आता था, था। जैसलमेर से सब्जी भाजी जो भी होता था आलू और प्याज ही मिलता था उस टाइम पे हरी सब्जियां वहाँ आपको तब नहीं मिलती थी अच्छा। तो उसका जाके भाई आलू ले आओ प्याज ले आओ कद्दू ले आओ या तरबूज ले आओ तो इस तरह की चीजें होती थी तो जाके ले आता था बेचारा अब सिचुएशन ये हो गई कि गाड़ी है जीप है लेकिन ड्राइवर कोई नहीं तो मुझे प्रोडक्शन मैनेजर अथर साहब ने बोला है कि बेटा एक काम बोलू करेगा बोला हाँ जी बोला जाके तू आज शूटिंग से पहले ना जाके जैसलमेर जाके ना सब्जी मंडी से सब्जियां ले आएगा अच्छा ले आऊंगा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या फर्क पड़ता है उससे पहले कभी आपने खरीदी थी सब्जी सब्जी नहीं नहीं वही आलू प्याज ले आएगा मतलब बोरी जो है वो जीप में डाल देना क्योंकि गाड़ी गाड़ी यही जीप ही चलती है और तो कोई गाड़ी वहां जाती नहीं है बोला ठीक है सर चला गया तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सुबह सुबह चला गया बोला कितने बजे उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और मैं जाके सब्जी मार्केट जो भी सौदा लेना था मैं ले आया अब ये जो सिलसिला था मैं सोचा शायद एक दिन में हो जाएगा लेकिन ये सिलसिला एक दिन में नहीं खत्म हुआ ये सिलसिला रोज का हो गया अच्छा अब उसमें क्या होता था कि मैं ड्राइवर भी था मैं सब्जी भाजी भी लेता था मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट भी था और जब मैं गाड़ी में बैठ के सुबह सुबह जाता था तो जितने भी मेरे बाकी के एक्टर और यूनिट के लोग थे अरे किरण तब मैं वो अपनी लिस्ट दे देते दे थे छोटा तो किरण किरण जी और साहब और किरण सर वर्ड कुछ नहीं था हुँ. और मैं आज भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ किरण सर सरवे से तो किरण साहब मुझे पसंद ही नहीं किरण भाई बोलेंगे तो मेरे लिए बस हो जाता है तो अरे किरण वो एक काम करना और मेरा यार टूथपेस्ट खत्म हो गया और साबुन खत्म हो गई तो ले आना

अब तो क्या हो गया यूनिट वालों की फरमाइश जो भी उनको चाहिए होता है, जरूरत की जो चीजें चाहिए होती थी वो मुझ पर वो मुझ पर मुझ, मुझे लानी पड़ती थी तो मुझे याद होता था गाड़ी चलाता था अच्छा उसने ये बोला उसको केसर की शराब चाहिए अच्छा उसको मोतीचूर के लड्डू चाहिए अच्छा उसको टूथपेस्ट चाहिए अच्छा उसको शैम्पू चाहिए अच्छा इसको नारियल का तेल चाहिए अच्छा कुकिंग के लिए अच्छा सरसों का तेल लेना है अच्छा इतने, कि, इतने किलो च, 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 इतने एक दो, दो बोरी चावल लेना, एक दाल लेनी दिमाग में चलता, चलता था। रहता था, तो मैं जाके सब था। और उसके बाद पानी भी नहीं मिलता था ना गोल्डी मीट मटन मसाले पार, 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 जो आपके हाथ का मटन खाए तो दो बाल्टी पानी मुझे और बाकियों को जो सीनियर होते थे उनको शायद एक दिन में दो अच्छा, दोनियर अच्छा, हाँ, था मैं, मैं, मैं जूनियर जूनियर था मैं जूनियर था मेरी ब्रेक थी मैं एक अठारह साल का लड़का था जो जुनून शिद्दत और पैशन से भरा हुआ है जो चाहता था कि मैं इस दुनिया के अंदर अगर मैं एक्टर बनूंगा तो मुझे ये सब झेलना है और मैं झेलता था विद स्माइल ऑन माय फेस देखिए झेलना का ये होता है कि आप या तो सड़ के झेलें बिल्कुल या आप अपने के अपने, अप, अपने तेवर चढ़ा के झेलें या आप खुशी खुशी झेलें तो जिंदगी में मेरा हमेशा सुन रहा है कि जिंदगी कोई भी अगर मुश्किल हो तो उसे हमेशा हंस के झेलिए मैं आपसे भी यही कह रहा हूं

अरे लेकिन खत्म तो नहीं हुआ सुनिए मुझसे, मुझसे कहा स्टेशन चले जाना वो प्रकाश जो विलेन है, विलेन है, इस के वो आने वाले हैं तो मैंने कभी प्रकाश साथ साथ से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी तो मैंने उनकी फोटो देख ली मैंने ये फोटो बोला ठीक है सर मैं इनको पिकअप कर लूंगा तो सुबह साढ़े छह बजे मैं पहुंच गया जैसा स्टेशन ट्रेन वेट करता रहा वहां पर चाय वाई भी मैंने स्टेशन पे और उस स्टेशन मुझे याद है जैसे और आलू की भाजी बहुत अच्छी बनती थी अच्छा। तो वो वो ली हाँ। और यकीन मानेगा उस पूरी और आलू की भाजी का टेस्ट आज भी मेरे मेरी जबान पे यू नो you know, वो टेस्ट मुझे फिर कभी मिला ही नहीं होता है कभी कभी खैर तो ट्रेन आई मैं तो खड़ा रहा तो धाबा साहब नीचे उतरे तो बोला सर चलिए मैं आपको लेने आया हूँ अच्छा कौन है सुन बोला सर मैं आप यूनिट से आया हूं आपको लेने के लिए अच्छा चलो चलो। तो उनके उस में बेडिंग नहीं करती थी ट्रेन, तो आपको खुद का बेडिंग उठाना पड़ता है वो आप खुद लेते तो उनका बेडिंग भी मैंने ले लिया उनकी उनका सूटकेस भी मैंने ले लिया वो रोलर वाले नहीं आए था मार्केट में तो पकड़ के मैं सूट लेके जाके तो जाकर गाड़ी में मैंने उनका रखा तो जहाँ पर आलू और प्याज मैंने लिए थे उसके ऊपर उनका सूटकेस भी रख दिया और ये भी रख दिया तो आ, आ, आए भड़क गए बोला हाँ। ये क्या लगाया तुमने हाँ। बोला मेरे सूटकेस तो तुमने ये आलू प्याज यहाँ पर इस गाड़ी में कैसे ये जीप में क्या ये जीप आई है मुझे लेने के लिए बोला हाँ सर कौन चला के लाया सर मैं चला के लाया हूँ तो फिर उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी मतलब वो भड़क गए नाराज हो गए अच्छा। सीनियर आदमी थे नाराज हो गए उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कहनी शुरू की जो मैं आ, अपने व्यूअर्स के सामने या दूरदर्शन पे मैं आपको रिपीट नहीं करके अच्छा। सुना सकता तो खैर मैंने जैसे मैंने कहा झेलना चाहिए हुँ। मैं झेलता रहा झेलता रहा अभी एक अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और एक कान में वो बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ जैसे सुनता था फिर मैं इस कान से उसको निकाल के बाहर फेंकता था फिर एक वक्त ऐसा आया कि गाड़ी चलाता था अस्सी किलोमीटर दूर जाना है सब एक वक्त ऐसा है एक टाइम ऐसा है चला चलाते हुए कि धूप भी बढ़ गई थी मेरा दिमाग भी गर्म हो गया मेरा मन चला कि मैं गाड़ी रोक के इनको गाड़ दूं इधर ही लेकिन नहीं देखिए एक बुरी चीज अगर आप करते हैं ना उससे क्या होता है कि उसका असर सारी जिंदगी आपके साथ रहता है तो जो भी अगर आपके साथ आपको चाहे नाराजगी हो या गुस्सा हो जाए किसी पे तो वो चीजें ना करें जिसका पछतावा आपको आपके आगे की जिंदगी में आपको हो वो कभी ना करें वो बात तो वहाँ चले गए अब हम जब पहुँचे तो उसी दिन शूटिंग थी और एक्शन सीक्वेंस था फाइट था हीरो विलन के बीच में तो अच्छा ये सब करने के बाद मुझे दौड़ के अपने कपड़े भी पहनने पड़ते थे थोड़ा सा मेकअप भी करना पड़ता था ये हाँ। सब करना पड़ता था फिर मैं सेट पे आ जाता था तैयार होकर और तब भी हंसता रहता स्माइल करता रहता तो एक्शन डायरेक्टर थे मोहम्मद अली भाई थे तो

एंड बेचारे बहुत ही अपोलोजेटिक हो गए अच्छा। बोला अंकल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा आपने जो भी कहा आपका आशीर्वाद समझ के मैंने ले लिया अब मैं हीरो uh, हूँ और आप विलेन हैं चलिए शूटिंग करते हैं एंड फ्रॉम दैट डे वो जो आदमी थबा साहब जो है वो मुझे इतना प्यार करने लग गए देखिए आप अगर कोई आपके साथ बुरा बुरा करे मोमेंट पे उनको रियलाइज हुआ कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है ना तो उस बुराई का फल और बुराई का सिला बुराई में ना दे अगर थोड़ा सा उसको सहन करके अगर उसको अच्छा ही से देंगे ना उस सिले को तो जिन, वो जिंदगी भर आपको प्यार करेगा बिल्कुल, बिल्कुल। तो मगर वो जो फिल्म है मेरे लिए वो जिंदगी भर याद रखे याद मेरे, मैं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म थी वो क्योंकि एक चीज और बताऊ मैं आपको आज जब मैं एक ठीक ठाक मुकाम पे पहुंचा हूं और हम आउटडोर शूटिंग करने जाते हैं और प्रोड्यूसर हमें फाइव स्टार स्टार और सेवन स्टार होटलों में ठहराता है हम फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं हमें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं तो आज होटलों में जब भी आप फाइव स्टार होटल में जाएंगे ना तो क्या जैसे आप कमरा खोलती है ना वहाँ पर एक फुल स्केल मिरर होता है किसी भी होटल में आप जाएंगे तो वहां पर एक बहुत एक फुल स्केल मिरर होता है एक आईना होता है जिसमें आप जैसे होटल में कमरे में घुसते हैं तो आईने में आप तो उस के सामने जैसे गुजरता हूं न, तो मुझे उस आईने में वो अट्ठारह साल का बूंद पानी वाली लड़का नजर आता है आज भी हाँ और वो लड़का मुझसे कहता है यार वेल डन अच्छा बड़ा अच्छा सफर तय किया तुमने यार तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो इस तरह की बातें कभी अपने आप से होनी चाहिए हर किसी या की? होनी चाहिए हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए जो मैंने जो जिस तरह के मैंने जिंदगी जी है ना ये मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जी लेंगे ना मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ लेकिन मैं एक लविंग इंसान हूँ मेरे साथ जो भी जुड़ता है ना मैं उसे अपने प्यार से भरने की कोशिश करता हूँ और आ, मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता कि मैं किसी के साथ रूढ़ हो जाऊं या किसी के साथ ऐसी कुछ बात कर लू जो उसके दिल को चुभे अच्छा आपकी आ, फिल्मों की बहुत लंबी लिस्ट है तो ये तो किस्सा पहली फिल्म का हुआ आपकी जो दूसरी फिल्म थी वो आपको कैसे मिली कब मिली और वो कौन सी फिल्म थी थिंक मेरी दूसरी फिल्म थी सवेरा सवेरा जो थी वो गुरनाम साहब की थी वी के शर्मा जी जो राजेश खन्ना जी के जो गुरु हैं वो डायरेक्टर थे और रेहाना सुल्तान जी हीरोइन थी हमारी मैं और और साजिद खान थे और वो फिल्म देखिए क्या होता है जब जब एक एक एक्टर लड़का नया लड़का आता है तो उसकी धीरे धीरे बातें होनी शुरू हो जाती है फिल्म इंडस्ट्री में नया चेहरा आया है हाँ तो नया लड़का आया है। तो ब, मेरी भी बातें होने लग गई और मुझे सवेरा मिल गई एक दिन गुरधाम साहब ने मुझे बुलाया कि ऐसे फिल्म कर रहा हूँ

तो हाँ कौन नहीं बोलेगा एक फिल्म जंगल में मंगल कॉमेडी फिल्म थी प्राण अंकल के साथ जी उसके बारे में कुछ बताइए अरे वो फिल्म भी तो यादगार है प्राण अंकल के साथ काम के प्राण अंकल जो है मेरे डैडी के दोस्त बचपन से देखा उनको बचपन में आ, आना जाना होता था फैमिलीज का और वो फिल्म रजेंद्र भाटिया साहब की थी जिसमें प्राण अंकल उसमें रीना रॉय आई थिंक नई नई आई थी रीना रॉय थी और जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि फिल्में आती रही धीरे 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 आती रही ऑफर तो हुई प्राण अंकल के साथ काम करने का मुझे मौका मिला हमने बहुत ही वंडरफुल शेड्यूल्स किए हमने कपोली में खंडाला में किया लोनावला में किया फिर हम केरला गए थे ठेकड़ी एक जगह है जहां पर हमने क्लाइमेक्स शूट की थी और प्राण अंकल के साथ काम करने के बाद मुझे ये लगा कि ये जिस तरह अपने काम के प्रति जो इनकी श्रद्धा है जो इनकी शिद्दत है जो इनका पैशन है इस इतना प्यार मुझे भी अपने काम से होना चाहिए तो अंकल से मैंने वो बहुत कुछ सीखा आपने फिल्म बहुत सारी की बहुत अलग अलग कलाकारों के साथ की जी। लेकिन आपने कोई फिल्म अपने वालिद साहब जीवन साहब के साथ क्यों नहीं की Uh, उसके पीछे एक रीजन है हुँ. रीजन ये है कि मैं हीरो होता था। हुँ. तो आई कुड नॉट इमेजिन माई फादर टू बी विलन इन एंड सेकंडली मैं अपने फादर से हमारी ऐसी दोस्ती थी तो मैं पूछता था पापा एक फिल्म साथ में करते हैं ना अरे बोला नहीं यार तू कर बोला नहीं नहीं, नहीं तू, अच्छा. तू कर तो क्यों उन्होंने मेरे साथ नहीं काम किया ये आ, वो बेहतर जानते थे शायद बाप बेटे के बीच में हम एक मैं एक संस्कारी माहौल से हूं तो बाप बेटे के बीच में हालांकि दोस्ती होती है फिर भी एक एक मर्यादा का की एक लकीर होती है जिसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हुँ। हुँ। तो शायद ही थॉट कि एज एन एक्टर इसे ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो इस चीज का उल्लंघन हो तो उन्होंने नहीं करते और उनके पास भी बहुत काम था उस वक्त और मेरी तो शुरुआत थी तो हमने कुछ कुछ काम साथ नहीं किया जो आपने पूछा कि कौन सी कौन सी चीजों का रिगरेट है आपको हाँ। तो ये एक रिगरेट है अच्छा आपके वालिद साहब उनका एक स्टाइल था डायलॉग्स बोलने का एक अलग ही था अगर उनका नाम जब भी आता है तो उनका स्टाइल उनसे पहले आता है तो कभी आपने घर में उनकी मिमिक्री की या उन्हें कॉपी करने की कोशिश की या कोई ऐसा डायलॉग हो जो उनके स्टाइल में बोला हो नहीं मैंने कभी नहीं किया ये मुझे ये लगा कि जो मिमिक्री जो मिमिक्री मिमिक्री आर्टिस्ट करते हुँ। हैं हुँ। वो मिमिक्री मिमिक्री की हद में करें तो ठीक है लेकिन अगर आप मिमिक्री का मजाक उड़ा लें तो आप उस इंसान का मजाक उड़ा रहे हैं जिसकी आप मिमिक्री कर रहे हैं मुझे ये लगा तो मैंने कभी नहीं किया तो कभी मतलब ऑफ स्क्रीन भी आपने ये नहीं किया घर में अपनी माँ के सामने कि हाँ, आ, वो करता थे हाँ, कभी कभी अपनी माँ के साथ क्योंकि नेचुरली अपनी माँ घर में हो तो ऐसे कभी कभार नहीं 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 मैं कभी करता था अरे बोली तू क्या कर रहा है नहीं माँ मुझे ये नहीं 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 क्योंकि मेरे डैडी के जो मेमिक्री है वो देव साहब भी करते थे देव साहब का जो बोलने का स्टाइल था वो मेरे पिताश्री से बहुत मिलता था हालांकि देव साहब ने और मेरे पिताजी ने बहुत सारी फिल्में की साथ में और देव साहब का भी जो बोलने का स्टाइल था ना ये तो बिल्कुल मेरे पिताजी के हुँ, की तरह आपको कोई बहुत ही फेमस डायलॉग जिसे आप उस उस स्टाइल में बोलना चाहें क्या भी कर पाएंगे नहीं मैं नहीं करूंगा ये ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि उनके स्टाइल को मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि में मुझ में उनके स्टाइल को कॉपी करने की क्षमता ही नहीं है hmm. एक होता ना कि हिम्मत नहीं है नहीं hmm. मुझ में वो क्षमता ही नहीं किसी तरह का भी डायलॉग वो कभी नहीं होगा क्योंकि hmm. मेरे पिताजी जो करते थे शायद hmm. उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता तो आपको एक चीज और बता दू कि मेरे पिताश्री का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक एक्टर जिसने एक किरदार 61 फिल्म्स में निभाया है मेरे पिताश्री ने नारद मुनि का जो किरदार है वो इकसठ फिल्मों में किया है दुनिया में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसने एक किरदार इतने वक्त इत, इतने इतने फिल्मों में किया जब आपका करियर शुरू हो रहा था और आपको लगातार अच्छी फिल्में मिल भी रही थी हिट भी हो रही थी और लोग आपको पसंद भी कर रहे थे फिर एकदम से ऐसा वक्त आया जब आपकी लगातार फिल्में बैन हो गई बहुत कठिन बहुत मुश्किल का वक्त था वो एक एक्टर जिसके पास इतना सारा काम हो जिसकी छह फिल्में तैयार हों की शूटिंग मुकम्मल हो चुके, नियरली कंप्लीट हो गई और वो सेंसर में जाए उसमें से पांच फिल्में चार फिल्में आपकी बैन कर दी जाए सडनली ये होता है कि ऐसा लगता है कि आपको अपने ही घर के आपके जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए यहाँ तक कि घर की जो खिड़कियां हैं वो भी बंद हो जाती हैं और जब किसी इंसान को रियलाइज होता है कि मेरे साथ क्या हुआ उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ फिर अल्टीमेटली आप ये समझते हैं कि ये डेस्टिनी का खेल था डेस्टिनी की वजह से ये हुआ है अपने दिल को बहलाने की कोशिश करते हैं एक, एक एक्टर जो रोल्स जाके शूटिंग करता था सडनली उसको लोगों ने लेना बंद कर दिया कि भैया रहने दो यार रहने दो पगे भूल जाए इंडस्ट्री के अंदर अगर आपकी फिल्में नहीं आती लोग आपको भूल जाते हैं तो मैं तरसता था स्टूडियो की खुशबू सूंघने के लिए मैं तरसता था कि मैं एक्शन और कट की आवाज मेरे कानों में आए और कि ऐसा कितने वक्त तक चलता रहा सालों तक तो चलता रहा अच्छा फिर क्या सालों तक चलता फिर क्या, एक नजर आ रहा। क्या हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसा एक्टर हूं जिसे गड्ढा खोद के कबर में डाल दिया गया है और कबर में मिट्टी डाल दी है और एक पत्थर रख दिया है कि यहां पर एक, एक एक्टर था जिसका नाम था किरण कुमार यहां पर मरा पड़ा है लेकिन मैं बहुत मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग आदमी हूं हालातों से लड़ना मुझे अच्छी तरह से आता है मेरी जो जिंदगी रही है मेरा जो करियर रहा है आप कभी किसी मेले में गई हैं वो जॉइंट व्हील में बैठी हैं। हाँ। व्हील जो हा, होता हा। है वो नीचे से शुरू होता है ऊपर जाता है ऊपर से प्रेज से नीचे आता है तो मेरा जो करियर और मेरी जिंदगी उस फेरिस व्हील उस जॉइंट व्हील की तरह रही है लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि जब मैं ऊपर जाता था तो मुझे मुझे खुशी नहीं होती है या मैं ये नहीं समझता हूं कि मैं रुस्तम हूं और जब मैं नीचे आता हूं तो मैं चीखता चिल्लाता भी नहीं हूं क्योंकि तो नीचे आने से मुझे डर नहीं लगता मैं नर्क देख चुका हूं तरनम तो एक बार जो इंसान नर्क देख लेना उससे दोबारा नर्क में जाने का डर नहीं होता डर खत्म हो जाता है डर खत्म हो जाता है मुझे मैं ये नहीं कहता कि मैं स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हूं या मैं बहुत ही महापुरुष हूं या मेरी सोच बहुत इंटेलेक्चुअल है या मेरी सोच बहुत स्पिरिचुअल है लेकिन यकीन मानिएगा इस दुनिया में बहुत कम चीजें हैं जो मुझे डरा सकती हैं। तो फिर आपको क्या रास्ता उस वक्त नजर आया अरे मुझे क्या रास्ता नजर आएगा जिसने आपके, जिस करियर आपके करियर को संभालने की कोशिश की हाँ वो रास्ता ये था कि मुझे गुजराती फिल्म ऑफर्ड हुई आशा पारिक जी प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की और उस फिल्म का नाम था कुछ अच्छा। कुल की लक्ष्मी आशा जी थी मैं नवीन निश्चल साहब थे वो हीरो थे और मुझे एक बड़ा ही अच्छा रोल था लेकिन नेगेटिव रोल था

उसी, उस तरह मैं गुजराती फ्लुएंटली नहीं बोल पाता था तो आ, जब फिल्म ऑफर हुई अब मैं काम के बगैर इतने सालों से बेरोजगार बेरोजगार एक बहुत ही एम्बिशियस लड़का जो बेरोज, बेरोजगार है तो वो जब मुझे फिल्म ऑफर हुई तो मैंने बिल्कुल हाँ बोला मैंने हाँ हाँ बिल्कुल मैं करूंगा तो गुजराती बोलनी नहीं आती बोला मैं सीख लूंगा शूटिंग चला गया मैंने कैसे भी करके मैंने कोशिश करने कि बाद में जब लोग पैकअप करते थे तो मैं गुजराती की जो लाइंस हैं वो हिंदी में लिख के मैं उन्हें याद करता था उन्हें अच्छा। पढ़ता था उसका ये करता था पैकअप के बाद मेरा मेरा मेरी जो शाम होती थी हुँ। हुँ। वो इसी तरह गुजरती थी अगले दिन की जो लाइनें हैं वो आप कराइए तो मैं वो करता था लाइनें और फिर सुबह बाढ़ के डिलीवर कर देता था फिर बाकी था डबिंग मैंने ठीक कर लिया और वो फिल्म चली और वो फिल्म से ज़्यादा मैं चला हम्म hmm, वहाँ के आप सुपरस्टार बन गए नहीं उसके लिए बनने में टाइम लगा हाँ लेकिन सुपरस्टार तो हा, हाँ, बने हाँ, नहीं मैं अपने आपको सुपरस्टार नहीं कहता हूँ आई डोंट लाइक द वर्ड सुपरस्टार या मेगा स्टार या पावर स्टार या नहीं आई डोंट लाइक इट हाँ मैं एक सक्सेसफुल एक्टर बन गया वहाँ और उसके बाद मैंने यकीन मानिएगा सात साल में मैंने एटी फिल्में की गुजराती अच्छा, की सात साल में एटी फिल्में मैंने की गुजराती की एज द लीडिंग मैन एंड 82 में मेरा सक्सेस रेशियो जो था वो तकरीबन 65 टू 70% था अच्छा मेरी फिल्म चलती थी लोग मुझे देखना पसंद करते थे गुजरात के ऑडियंस का मैं बहुत आभारी हूं उन्होंने मुझे उस वक्त पे अपनाया जब कोई मुझे अपना नहीं रहा था तो गुजरात मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है गुजरात की ऑडियंस गुजरात की जनता गुजरात के लोग जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कहीं नहीं वो प्यार मिला तो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं और मैं यहाँ तक कि आ, मैं अब तो अपने आप को आधा गुजराती समझता हूँ क्योंकि मुझे गुजराती खाना पसंद है सात साल मैंने वही खाया गुजराती लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत पसंद है अच्छा ये बताइए इंडस्ट्री में जी आपके पसंदीदा कलाकार कौन है या पसंदीदा इंसान कौन है अच्छा पसंदीदा कलाकार तो मेरे फेवरेट एक्टर्स दिलीप साहब, यूसुफ एंड आपको एक चीज और बताऊं कि मुझे एज एन एक्टर उनके डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला वो फिल्म बन रही थी कलिंगा जो दिलीप साहब डायरेक्ट कर रहे थे उसमें मैं मैं था राजबाबर थे राजकरण थे उनके बेटे का रोल जो है वो हम लोग ने हम लोग कर रहे थे लेकिन अफसोस की बात है कि फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई हुँ. लेकिन दिलीप साहब के साथ तो मैंने एज अ एक्टर डायरेक्टर रिलेशनशिप भी मेरी रही है एंड एंड दिलीप साहब के एज एज अ परफॉर्मर ओरिजिनल ओरिजिनल ही इज किंग बाकी मुझे दिलीप साहब की फिल्में बहुत देखनी पसंद आती है मैंने मुगल आजम तकरीबन तेईस बार देखी होगी गंगा जमुना करीबन सोलह अठारह बार देखी होगी अच्छा। जी हाँ जी हाँ मैं वो रिपीट करता हूँ देखता रहता हूँ तो बाकी मुझे अगर एज एन एक्टर पसंद पसंद आते हैं तो मुझे मेरे पिता जो मास्टर से अपने स्कूल किसका मोतीलाल जी प्राण अंकल और मुझे फिल्में देखनी एज अ व्यूअर अगर पसंद आती हैं तो मुझे धर्म जी की फिल्में देखनी बड़ी अच्छी लगती हैं आई लाइक टू सी धर्म जी ऑन स्क्रीन जब उनकी फिल्में होती है क्योंकि वो जब वो स्क्रीन पे आते हैं मेरे मतलब एक एक इमेज है एक मर्द की इमेज जो है वो धर्म जी की जो फिल्म अगर आप देखेंगे पुरानी देखिए अरे ऐसा लगे कि कौन आदमी कौन हीरो जो धर्म जी ने उसमें स्कर्ट पहन के जो लगे हैं वो कोई हीरो सूट में ऐसा नहीं लगता है तो धर्म जी की फिल्में मुझे बहुत पसंद है मुझे चालीस चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद है ब्रांडो की फिल्में पसंद है मुझे ब, 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 अभी एक लड़का है रैन गौसलिंग उसकी फिल्में बहुत पसंद है मुझे रणबीर कपूर एज एन एक्टर बहुत पसंद है मुझे शाहरुख की अपना एक स्टाइल है करने का मुझे शाहरुख के साथ एंड अगर मैं किसी की फिल्म में और देखना पसंद करता हूँ धर्म जी के बाद तो वह है सलमान की फिल्म अच्छा सलमान के चेहरे पे ना लोग समझते हैं कि सलमान की जो बॉडी है ना कमाल की बॉडी है इसीलिए वो चल रहा है नहीं सलमान की आंखों को आप देखें हैं

लेकिन वो दिखाते हैं कि इंसान किस तरह का इंसान है कि लोटिया जब देता है तो कोई एहसान नहीं करता और जब लेता है तो कोई लिहाज नहीं करता लोटिया पठान की अदालत में सिर्फ एक ही कानून चलता है आंख के बदले आंख दांत के बदले दांत हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान तो ये एक ऐसा परफॉर्म एक, एक ऐसा कैरेक्टर है और एक, जो ऑडियंस के साथ ऑडियंस को भाग गया देखिए Uh, हर एक्टर की जिंदगी में आए उम्मीद करता हूं अमजद भाई की जिंदगी में गब्बर आए हाँ। अमरीश अंकल की जिंदगी में और यू you नो know, इस तरह के किरदार अगर आपको मिल जाते हैं जो आज की तारीख में इस तरह के किरदार लिखे नहीं जाते वो किरदार जो जो है ना वो वो एक्टर से बड़े हो जाते हैं बिल्कुल लोटिया पठान इतना बड़ा हो गया लोटिया पठान इतना बड़ा हो गया कि मेरी पहचान लोटिया से बन गई और लोटिया एक ऐसा कैरेक्टर बन गया मेरे लिए जो मेरे कंधे कंधे पे चढ़ गया मैं कितनी भी कोशिश करता हूं उसको अपने से उतारने उतरता ही नहीं है वो जा जाता टेलीविजन लोटिया लोटिया में, में। पंद्रह शो तो मैंने सिर्फ दूरदर्शन में किए हैं लेकिन डिटेक्टिव करण के डायलॉग्स डिटेक्टिव करण डिटेक्टिव भाई इससे खुशी में तो होती है इंसान को कि मैंने एक किरदार करने का मुझे मौका मकसद है मुन्ना मुन्ना की मौत वो वाला डायलॉग बोल दीजिए लोटिया की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है मुन्ना की मौत ये लाइन है कुछ फिल्में आपने ऐसी की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी बी ग्रेड की फिल्म या सी ग्रेड की फिल्म आपको नहीं करनी चाहिए थी फिर क्या मजबूरी रही क्यों आपको करनी पड़ी क्योंकि उस वक्त मुझे मुझे पैसों की जरूरत थी मैं घर बना रहा था अपना मुझे पैसे चाहिए थे तो उस वक्त मैंने सोचा नहीं कि भैया ये रोल करूं या ना करूं लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अगर एक सी ग्रेड फिल्म से भी मुझे उतना ही मेरा लगाव है आज की तारीख में भी जितना कि ए ग्रेड फिल्म से है क्योंकि सी ग्रेड फिल्म में भी Uh, मुझे आई एम नॉट अशेम्ड कि मैंने ये क्यों की हुँ. मैंने की क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी सिंपल आदमी नौकरी क्यों करता क्योंकि वो की जरूरत होती है और, actor, पास और कोई क्या करता मैं हुँ. बी ग्रेड कीट की, की, की और आज भगवान की ज्यादा ए ग्रेड की फिल्म करता हूँ लेकिन अगर कोई अच्छी सीगरेट की फिल्म भी अगर आएगी तो मैं कभी मना नहीं करूंगा हाँ रोल सुनूंगा उन सीगरेट फिल्म है लेकिन मैंने रोल बहुत अच्छे किए मेरे किरदार के साथ कॉम्प्रोमाइज मैंने कभी नहीं किया किरदार मेरा हमेशा अच्छा रहा मैंने वो चीज उस किरदार को निभाने में के लिए मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली जो जॉय जो मिली वो मुझे किरदार की वजह से मिली और सीक्रेट फिल्म की मेकिंग जो होती है छोटी दायरे में मेकिंग होती है लेकिन पैसे तो वो आपको देते हैं ना और अगर आपको पैसों की जरूरत है आप भी एंकरिंग कर रही हैं हम भी कर रहे हैं हम पता नहीं आप भी भी तो जब भी कुछ भी काम करती होंगी तो आप फ्री में तो नहीं करती ना पैसे मिलते हैं इसलिए है। है। है तो है? अच्छा, नाटक नहीं कर रहा इसमें क्या मैंने की क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी एक ऑनेस्ट कन्फेशन है एक एक्टर की एक इंसान की मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ मुझसे कोई गलतियां हुई तो उनको मैं एक्सेप्ट करूंगा आपकी वाइफ, उनसे आपकी मुलाकात कैसी हुई थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि की डांट से नहीं डरता, डरता हाँ लेकिन मैं किसी को हर्ट करने से डरता हूँ मेरी वाइफ की मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि उस वो एक औरत मुझे ऐसी मिली जिसमें मुझे मेरी माँ नजर आई आई एम अ मदर्स बॉय मेरे लिए मेरी मां से बढ़कर मेरी माता से बढ़कर इस दुनिया में भगवान भी नहीं है मैंने जिंदगी में कभी किसी के पैर नहीं छुए मैं कभी किसी के पैर नहीं छूता लेकिन मैं हमेशा मैंने हमेशा अपनी मां के पैर छुए मुझे याद है कि मैं शूटिंगों में जब जाता था मेरी माता वो नहा रही होती थी तो उसको मालूम था कि नौ कर रहा है जा रहा होगा तो वो बाथरूम का दौरा के अपना पैर बाहर कर देती थी क्योंकि मेरे समझती थी जानती थी कि मेरे बिना पैर आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाए नहीं वो पैर मेरे लिए वो माँ का पैर छूने से मैं तरन्नुम मुझे शक्ति मिलती थी मुझे ताकत मिलती थी आज मेरी माता फिजिकली इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है लेकिन स्पिरिचुअली वो हमेशा मेरे साथ है

कर रहा हूं अब मेरी जिंदगी एक और फेज भी शुरू हो रहा है प्रोडक्शन कंपनी एलिजियम अब आप एलिजियम के लिए भी कुछ करेंगे और मैं डायरेक्ट भी करना चाहता हूं मैं डायरेक्टर भी मैं, एक दे, मैं दे, बहुत जल्द आपको मालूम पड़ेगा कि मैं डायरेक्टर भी हूं मैं ब, 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 एक, कर रहा हूँ जो मैं शायद अच्छा। यूके में जाके शूट करूंगा और मैं टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस करूंगा मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स करूंगा एलिजियम जो हमारी कंपनी है वो हम सब कुछ करने को तैयार है क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता बिल्कुल और हमारी दुआ भी आपके साथ है कि आप इसमें कामयाब जरूर हो अच्छा आज इस प्रोग्राम के जरिए गुफ्तु के जरिए आप किन लोगों को याद करना चाहेंगे मैं उन लोगों को याद करूंगा हमेशा जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया फिफ्टी टू ईयर्स से मैं एक्टर हूँ और ये सब आप ही के प्यार की वजह से है जो मैं सर्वाइव कर रहा हूँ क्योंकि तो आप ही का प्यार है जिसने मेरी मेरे वजूद को मेरी शख्सियत को जिंदा रखा है तो मैं हमेशा अगर मैं कुछ भी डेडिकेट करूँगा तो मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को करूँगा उन लोगों को करूँगा जिन्होंने मेरी फिल्मों फिल्में देखी टिकटे लेके पैसे खर्च करके मेरी फिल्में देखी जो बैठ के अपने घरों के अंदर अगर दूरदर्शन का शो कोई देख रहे हैं तो उन्होंने मेरा दूरदर्शन का शो देखा और रिमोट दबा के मेरे को चेंज नहीं कर दिया मैं उनको प्यार करता हूँ मैं तो बहुत आसान है आपके हाथ में रिमोट है आप बैठ के अपने घर में देख रहे हैं अगर आपका प्रोग्राम अच्छा नहीं है अगर आप अच्छे नहीं है तो एक बटन दबाएंगे रिमोट का और आप हट जाएंगे वहां से दूसरा कुछ देख लेंगे तो मैं उन लोगों को याद करता हूँ मैं अपनी माता को याद करता हूँ अपने पिता को याद करता हूँ मैं अपने दोस्तों को याद करता हूँ जो इस दुनिया में नहीं है तो मैं सभी को याद करता हूँ मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आ, मुझे आज आपसे बात करने का आपके साथ गुफ्तु करने का मौका मिला और मैं धन्यवाद देता हूँ दूरदर्शन का कि मुझे फिर दूरदर्शन में आज मुझे कई सालों के बाद में नजर आऊंगा गुफ्तगु में और भगवान ने चाह तो और कुछ भी बहुत कुछ लेकिन 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 उससे पहले आपको एक नगमा सुनाना पड़ेगा हमारे व्यूवर्स के लिए जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम ये मेरा फेवरेट गाना है और ये गाना जो है मैं अपनी माता से मुखातिब करता हूँ किरण जी आपका ये जो सफ़र है ये बहुत ही बेहतरीन है लाजवाब है और आने वाली पीढ़ी के लिए आपने एक मिसाल कायम की है और आपके वालदेन जहाँ कहीं भी होंगे वो बहुत प्राउड होंगे अपने बेटे पर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए हमें वक्त देने के लिए और अपनी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से हमें बताने के लिए थैंक यू वेरी मच तो नाजरीन ये थे जाने माने और जिंदा दिल एक्टर किरण कुमार 80 और 90 के दशक में विलन के तौर पर जबरदस्त पहचान बनाई ऐसे किरदार निभाए जो इनकी पहचान बन गए अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही सितारे के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत आदाब